प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दी है और चुनावों के लिए पूर्णतः ठोस रणनीति बनाई जा रही है, जिसका आगाज हमीरपुर जिला से होगा। 7 अगस्त को हमीरपुर के टाउन हॉल में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर के अलावा विशेष तौर पर संगठन के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीत सिंह कोटली मौजूद रहेंगे। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक राणा ने बताया कि सम्मेलन में आगामी दिनों के लिए ठोस रणनीति तय की जाएगी, तो इस दिन हमीरपुर में तिरंगा फहराकर देश विरोधी ताकतों को जवाब दिया जाएगा। राणा ने कहा कि देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाने वाले लोगों को 7 अगस्त को करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं अभिषेक राणा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर उसे जमकर कोसा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा ने कहा कि 7 अगस्त को हमीरपुर के टाउन हॉल में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप राठौर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे, तो उनके साथ संगठन के प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में आगामी दिनों के लिए ठोस रणनीति तय की जाएगी, तो इसी दिन हमीरपुर में तिरंगा फहराकर देश विरोधी ताकतों को जवाब भी दिया जाएगा। 7 तारीख को हिमाचल कांग्रेस की ओर से जिला स्तर पर कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पे हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी आदरणीय गुरकीरत सिंह कोटली जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर जी मौजूद रहेंगे। भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल होने जा रहे हैं और साथ में जो लोग धमकी दे रहे हैं आज के जो झंडा है, तिरंगा है, वो प्रदेश के अंदर ना फहराया जाए 15 अगस्त को। 15 अगस्त को तो तिरंगा लहराया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम से ही जो है कांग्रेस पार्टी भी शुरुआत करेगी कि देश की और प्रदेश की एकता और अखंडता पर जो सवाल उठा रहे हैं उस दिन उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और 7 तारीख को भी तिरंगा हमीरपुर के अंदर लहराया जाएगा। अभिषेक राणा ने कहा कि खालिस्तान से आ रहे धमकी भरे फोन पर सरकार को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी है, जिससे कि अभी तक धमकी भरे फोन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बिलासपुर में दीवारों पर खालिस्तान के स्लोगन लिखने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में केंद्र सरकार से मदद लेकर जल्द मसले को हल करना चाहिए। देखिए, सरकार की बहुत सारी नाकामियाँ हैं, उनमें से एक ये भी है। अब ये किस प्रकार से कॉल ट्रेस हुई हैं या अभी तक इसके ऊपर क्या उनके मतलब फाइंडिंग्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि हमने होम मिनिस्ट्री से बात की है, पुलिस इसके ऊपर तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई उचित कदम मुझे नहीं लगता ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को इसके ऊपर और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, केंद्र से मदद लेनी चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि सरकार की नाकामी है कि इसके पीछे जो लोग हैं कहाँ कहाँ से, जो जिन्होंने लिखकर अब स्लोगन्स चले गए हैं। एक तरफ सरकार ने कहा कि जो भी बाहर से गाड़ी आएगी चेकिंग होगी, उचित कदम उठाए जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति आकर कहीं पर भी लिखकर जा रहा है तो इसका मतलब जो सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी का फेलियर भी है, इसके ऊपर भी गहन चिंतन करने का विषय है और सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित से उचित कदम उठाने चाहिए। अभिषेक राणा ने आने वाले उपचुनावों को लेकर पार्टी में तैयारियों के विषय पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस के द्वारा हमीरपुर से जिला सम्मेलन करके इन चुनावों का बिगुल बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरने के लिए हमीरपुर में रणनीति भी बनाई जाएगी। उसमें रणनीति यही बनी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पहले तो हम पार्टी के जो कार्यक्रम हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर, उसकी जो नाकामियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचाएँ। और आने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी अपनी कमर कस चुकी है और जो कुछ ही हफ्तों में मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने जा रही है, क्योंकि उपचुनावों में से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे 2017 की बात हो, 14 की बात हो, 19 की बात हो, बड़े बड़े लोगों से वादे किए। आज वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ किए धरातल पर, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लिखित में 2017 में जो वादे घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने किए, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें की कि 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा अंग्रेज़ी बोलने में, हर ज़िले के अंदर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, हर पंचायत के अंदर स्टेडियम बनाया जाएगा, लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी वादे जो हैं वो जनता के साथ किए, युवा के साथ किए एक। और आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, तो इसी सरकार ने कहा था कि हर साल हर ज़िले के अंदर जो है वो जो मेले लगाए जाएंगे, रोज़गार मेले लगाए जाएंगे सरकार की ओर से,
तो आज जो बड़े बड़े वादे, चाहे करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात की थी युवाओं को, चाहे सरकार ने बात की थी खेल को लेकर, बात की थी रोजगार को लेकर, बात की थी महंगाई को लेकर, बात की थी कि कम करेंगे 100 दिन में लगाम लगाएंगे, ये इतने सारे मुद्दे जो हैं, ज्वलंत मुद्दे जो हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, सरकार इनके ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं है। और यही जो मुद्दे हैं वो पनप रहे हैं लोगों के अंदर कि हम कब चुनाव आएं और सरकार को मुंहतोड़ जवाब दें। तो जो ट्रेलर है वो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता देने जा रही है।